करेंगे शराब नीति केस की तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। आपको बता दें कि सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाया गया है। वहीं सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट इस चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगी। बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के सीए हैं और इस मामले में ईडी कविता से भी पूछताछ कर चुकी है। चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। सीबीआई ने इससे पहले 25 नवंबर 2022 को भी चार्जशीट फाइल की थी।